दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस पारुल चौहान ने सीरियल को अलविदा कह दिया है। वो पिछले 2.5 साल से इससे जुड़ी हुई थी। ऐसे में फैंस के बीच में पारुल ने अपने रोल से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही थी। उनके अचानक इस तरह शो के छोड़ने के बाद में फैंस भी काफी हैरान रह गए। खबरें ऐसी थी कि दोस्तों पारुल सीरियल में दादी का किरदार नहीं निभाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद किनारा कर लिया। लेकिन दोस्तों अब पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। दोस्तों एक वेबसाइट के मुताबिक सेट पर पारुल के रवैये से मेकर्स लोग काफी परेशान हो गए थे। पारुल ने फिल्म के मेकर राजन शाही को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स से कहा था कि एक बाप अपनी बेटी से बहुत दिनों तक नाराज नहीं रह पाएंगे, मैं उन्हें मना लूंगी। अब दोस्तों ऐसी खबरें आ रही है कि राजन शाही दोबारा पारुल के साथ काम ही नहीं करना चाहते। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट की माने तो पारुल के नहीं रहने से सीरियल की टीआरपी में कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में दोस्तों उनके रवैये को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यही नहीं दोस्तों, इससे पहले जब हिना खान ने सीरियल को अलविदा कहा था तब भी टीआरपी में कोई भी गिरावट नहीं हुई। मेकर्स का कहना है कि पारुल को शो छोड़ना था, लेकिन एक बार भी उन्होंने राजन शाही को फोन या मैसेज करने की जरूरत नहीं समझी। दोस्तों पारुल ने प्रोडक्शन टीम को अचानक 1 महीने का नोटिस पीरियड भेज दिया और इसके पीछे की कोई भी वजह नहीं बताई। पारुल को लगा कि उनके रिक्वेस्ट को मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो सुबह 10 बजे सेट पर पहुंच जाएगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही उनके पास एक मैसेज भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक पारुल को भेजे गए मैसेज में साफ लिखा था कि क्या ये नोटिस पीरियड है, नहीं पारुल अब आपको आने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए पारुल ने कहा था कि मैंने शो छोड़ दिया है, मैं करियर के इस स्टेज पर दादी का रोल नहीं निभाना चाहती, मुझे लगा रोल के साथ मैं न्याय नहीं कर पाती। मैंने शो के प्रोड्यूसर राजन शाही से इस बारे में बात की है, उन्होंने मेरी चिंता को समझा। आपको बता दें दोस्तों पारुल ने दिसंबर साल 2018 में मंदिर में बॉयफ्रेंड चिराग ठक्कर के साथ में शादी कर ली थी। पारुल लंबे वक्त से चिराग को डेट कर रही थी। पारुल की शादी में उनके परिवार के सदस्यों के अलावा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के स्टार्स भी शामिल हुए थे।